हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सानी नवी क्लास के इस छोटे से परिवार में, जहाँ पे आज हम अपना जो टॉपिक लेकर नेक्स्ट आए हैं वो होगा क्लास 10 का नंबर और सिस्टम। जी हाँ, कल हमने जो बात किया था वो नॉर्मल से हमारा जो चैप्टर था वो नंबर सिस्टम के बारे में था, बट इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हमने 9th और 10th दोनों क्लास को कंबाइन करके किया था। लेकिन ये जो आपका क्लास होगा वो क्लास 10th के लिए होगा और ये प्रॉपरली क्लास 10th के लिए चलेगा। चलिए, इससे पहले जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था वो जाकर कल का वीडियो पहले देख ले, ताकि उनको अच्छे समझ में आएगा कि हाँ कौन से जगह पे किस शब्द का यूज करना है, राइट। चलिए आगे हम हल्का सा रिकैप करते हैं। कल हमने पढ़ा क्या था? कल हमने सिंपल सा पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है, यानी प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। दूसरा पढ़ा था पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो आपके 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? दो तरह से होते हैं, सॉरी, दो तरीके से पूर्णांक होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद से हमने पढ़ा था कुछ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। इन सब चीज़ों के बाद में हमने सबको मिलाकर कर दिया था रियल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जो रेशनल भी हो इरेशनल भी हो सारी क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हमने कल के यानी पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये क्या होती हैं। आगे जो आज आपको पढ़ना है वो आप जानोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी को आगे हम देखेंगे। बस जस्ट से पहले थोड़ा सा एक दो और वर्ड जिसका यूज होने वाला है उसको देख लेते हैं। यानी हमने जो कल मिलाकर कुल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो हमारा रियल नंबर होता है यानी कि वास्तविक संख्या जो होता है वो चाहे तो दो भाग में डिवाइड हो सकता है। एक होगा रेशनल यानी कि परिमेय और दूसरा होगा इरेशनल यानी कि अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। परिमेय में हम क्या क्या रख सकते हैं? तो आप जानते हो परिमेय में सारे या तो नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर्स हो, सारे आ जाते हैं आपके परिमेय में। अगर हम इसको बांटना चाहें तो परिमेय संख्याओं में दो वर्ड हमको यूज होंगी। एक होगा शांत, जी हाँ एक होगा शांत, और दूसरा होगा अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। शांत मतलब कि इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें हम जो रख के चलते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर दो भागों में हो गए, रेशनल और इरेशनल। और रेशनल नंबर को हमने दो भागों में बांट दिया, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। क्या होगा आगे आएगा, आगे इसके बारे में जानेंगे। बस आप इस वर्ड को देखिए कहाँ पे ये यूज होता है, बस इतना याद कर रख के चलिए कि ऐसे वर्ड जो ऐसी संख्याएं जो कट जाए पूरी तरह से शांत हो जाए वो शांत है। अशांत में क्या होती हैं? वो कटती नहीं, आगे बढ़ती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। और इसमें जो होता है वो कटता भी नहीं है और एक किसी क्रम से रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन चीज हमको देखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं, इसका एक और नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको आप पढ़ते हुए आ रहे हो अभी तक, इसका एक और नाम हम दे सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। यानी सिंपल सा अगर नाम से हम देखा जाए तो हमको ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में ये जो आपका टॉपिक होगा यानी यूक्लिड का जो प्रमेय होगा इसमें आप डिवाइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हो, ठीक है। इससे पहले कि ये शुरू करें हमको एक चीज़ जानना जरूरी हो जाता है, यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है। यानी एल्गोरिथम से पहले हम एक छोटा सा वर्ड जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन लेमा? उसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा डिवाइड
सॉरी छोटा सा आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ 2 + 4 कितना होगा, तो आप कहोगे क्या सर ये बच्चों वाला सवाल पूछते हैं, 2 और 4 6 होता है, ये भी कोई पूछने की चीज़ है, और 10 के बच्चों से तो कोई पूछने की चीज़ ही नहीं है। अब मैं पूछूँ आपसे बताओ 2 और 4 6 कैसे हो गया, यानी 2 और 4 को मैंने 8 किया तो 6 क्यों नहीं, क्यों आ गया, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो आप कहोगे सर ये होता है, ये प्रूफ है, इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो सेम काम आप यहाँ पर भी याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी से प्रूफ होती हैं, यानी कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी मिलेंगी जो पहले से आपकी प्रूफ्ड होंगी, उनका यूज हम दूसरे चीज़ों को प्रूफ करने के लिए करते हैं। आ रही बात समझ में, यानी कि वो प्रूफ्ड हैं, सेम काम हमको यहीं पे करना है। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो ऑलरेडी एक प्रूफ चीज है, और इसके सहायता से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रूव करेंगे। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कहता क्या है, उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में तो उसमें है क्या वो देखिए जरा। ये कहता है आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू होगी वो तो या तो बड़ा या तो बराबर होगा 0 के, या तो आर की वैल्यू बी से कम होगी। समझिए जरा, इन चिन्ह को हम समझ लेते हैं, बाकी कैसे होते वो भी समझते हैं। ये आर की जो वैल्यू होगी या तो बड़ी होगी, ये ग्रेटर देन का साइन, या तो इक्वल टू होगी किसके 0 के, और या तो ये आर जो होगा वो छोटा होगा किससे बी से, और आपका ए और बी जो होंगे वो पूर्णांक होंगे, पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स होंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या आया, ये तो और कुछ पढ़ ही नहीं पड़ रहा, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है ए बी क्यू सी आर। ठीक है चलिए इसको समझते हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे कहूं कि ए बराबर 9 ले लो, बी बराबर 2 ले लो, ए की वैल्यू का है ना, ए और बी कोई भी पूर्णांक है, तो मैंने माना कि एक जगह पे 9 है और बी की जगह पे कितना है 2 है। अब इसको आप सिंपल सा डिवाइड कर दो जरा 2 से 9 में, 2 से 9 में। कहोगे सर आप 10th में आकर हमको डिवाइड सिखा रहे हैं, सीखो हर चीज़ का एक काम होगा। अगर मैं 2 से 9 डिवाइड करने जाता हूँ तो 2 4 जा 8, कैरी कितना हुआ 1। अब आप जब बचपन में से आते हो पढ़ते आते हो, इसको आप बोलते हो डिवाइजर, यानी कि भाजक, इसको आप बोलते हो डिवाइडेंड यानी कि भाज्य, इसको आप बोलते हो कोशेंट यानी कि भागफल, और लास्ट में आप इसको बोलते हो शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये चीज़ें आप पढ़ते हो कि आपका कौन सा डिवाइजर है, कौन सा भाजक है, कौन सा भाज्य है, कौन सा भागफल है, कौन सा शेषफल है। अगर मैं पूछूं आपका जो भाजक है, सॉरी भाज्य जो है, यानी कि भाज्य मतलब आपका जो बीच वाला डिवाइडेंड है, ठीक है, वो डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर डिवाइडेंड अगर आपको निकालना है ही है तो आप काम क्या करो, इस डिवाइजर में कोशेंट से भाग मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो आपका भाजक है उसमें आप गुणा कर दो किसका भागफल का, भाजक में गुणा किससे कर दो भागफल से, यानी डिवाइजर में मल्टीप्लाई हो गया कोशेंट का। ठीक है नेक्स्ट 2 4 जा 8, और जो शेषफल आपका आता है आप उसको ऐड कर दो, यानी शेष को आप जोड़ दो। यही आपका सवाल अब सॉल्व होगा। आपने भाज्य 9 है, यानी 9 के जगह पे आपने क्या माना था ए, तो हमने इसको लिखा ए, यानी ये आपका ए था, ये आपका बी था, यानी भाजक बी था, तो इक्वल टू भाजक के जगह पे हमने क्या लिखा बी। भागफल क्वेश्चन यानी आप इसको मान लो क्यू, यानी क्वेश्चन हो गया, उसके बाद से देन आपका प्लस जो शेषफल है वो कितना है आर है।
तो यही आपका जो समीकरण है वो निकल के आता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दूसरे भाषा हम लिख सकते हैं कि जो आपका ये भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो चीज़ है, यानी यही आपका एक समीकरण बनाता है, यही आपका एक रूप बनता है। जहाँ पे अब मैं बात करूँ इस आर का, यानी जो आपका शेषफल है वो कितना आएगा, तो अगर इस सवाल में मैं बात करता हूँ, अगर ये दो है यहाँ पे, दो से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू होगी या तो दो से छोटी होगी, यानी या तो यहाँ पे जीरो हो सकता है या तो एक हो सकता है। तो आर की जो वैल्यू होगी दो होगी इस सवाल के लिए, या तो जीरो होगी या तो एक होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो आर होगा वो या तो जीरो होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा कितना होगा? एक होगा। लेकिन हमेशा ये बी से छोटा होगा, यानी दो से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यही समीकरण है, इसी का यूज करके हम सवालों का क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यानी ये आपका कहता है यूक्लिड का विभाजन लेमा, यूक्लिड का विभाजन लेमा, जिसके द्वारा आप सवालों को क्या करोगे? सॉल्व करोगे अपने। तो इसको जरा आप जल्दी से इसको नोट कर लो, जो आपको नोट करना है, टेक योर टाइम, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग अपने सामने एनसीईआरटी की बुक लेकर आप बैठ जाइएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन नोट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आज क्वेश्चन नोट कर देना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर दो है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए, लॉकडाउन के वजह से कई लोगों के पास किताब नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन को नोट कर दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यानी कि हमको दिखाना है कि जितने भी आपके पॉजिटिव इवेंट सम धनात्मक इवेंट इंटीजर्स होते हैं, वो उसका जो फॉर्म होता है 2q के फॉर्म में होता है, और जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। तो सिंपल सा, आप जब इसको सॉल्व करते हो तो मान लो, लेट्स आपका जो मानोगे कि ये जो आपका ए है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, मान लीजिए, लेट्स ए कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब यहां से जब आप सवाल चेक करोगे, आपने अभी जो लिखा था इसमें लिखा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये आपका, अगर इस फॉर्म को आप देखोगे तो यहाँ पे आपका पता चलेगा b की वैल्यू जहाँ
बी की जगह पे जो यूज हुआ है वर्ड कौन सा है? दो है। पी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? दो आई है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो अब यहां से आपके पास एक कंडीशन आएगी कि आर की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है। अभी आपने सवाल सॉल्व किया था, जब आप 2 से 9 में भाग कर रहे थे तो आर की जो वैल्यू आ रही थी या तो 0 आ रही थी या तो 1 आ रही थी। अगर मैं किसी से 3 से किसी अंक में भाग करूंगा तो उसमें जो शेषफल होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर 4 से मैं डिवाइड करने का प्रयास करता हूं तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। अब 4 तो बचेगा नहीं। अगर मैं कहूं 4 से मैं भाग करता हूं 15 में, तो 4 से भाग करने का मतलब होता है यहां पे रिमाइंडर कितना हुआ? 3। मैक्सिमम तो 3 ही आ सकता है ना। अब 3 के बाद अगर 1 भी बचता तो वो 4 से कट जाता। तो इस तरह से अगर यहाँ पे भाग देने वाला अंक 2 है, यानी आपका भाजक 2 है, तो रिमाइंडर में आपके 2 केस होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, राइट? यानी आपका जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आप आओ अपने समीकरण में। आपके पास समीकरण क्या था? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट आर इक्वल टू 0, दो वैल्यू है आपके पास 0 और 1, तो आर इक्वल टू 0 रखने पर, यानी आर बराबर आप 0 रखो। अगर 0 रखते हो तो ए की जगह पे ए रहने दिया, बी का वैल्यू आपको पता है कितना है? 2। क्यू की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, क्यू की जगह पे क्यू, और आर की वैल्यू आपने कितना लिखा? 0। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू कितना आ गया? 2। क्यों? 0 जुड़े कोई मतलब नहीं है, और ये जो आपका नंबर होगा 2 के गुणन में है, तो इसलिए ये समपूर्णांक होगा, राइट? नेक्स्ट, अब 0 तो आपने रख दिया, नेक्स्ट आपके पास 1 है, तो r इक्वल टू 1, आप r की जगह पे 1 रख दो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही काम आप करोगे। करोगे क्या आप? a इक्वल टू बी क्यू यानी 2 क्यू, सवाल तो यही है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल टू बी क्यू अब प्लस आर, आर की जगह पे आप कितना रख रहे हो? 1। और ये जो आपका है वो कैसा है? विषम पूर्णांक, क्योंकि जब भी सम में एक जुड़ जाता है तो क्या आता है? विषम। और यही चीज़ें आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। यानी कि सिंपल से आपका जब सवाल कहता है कि इस रूप में होता है, तो आप सिंपल से कोई भी मान लो कि ए आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब जो यहाँ पे दिया, अगर 2 दिया रहता है 2, 3 दिया रहेगा तो 3, और कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको चेंज करना है। ए के जब इतना होगा, बी के जब इतना होगा। अब रिमाइंडर देखना है, अगर 2 है तो 2 केस बनेगा, रिमाइंडर में या तो 0 हो गया तो 1 होगा, तो 0 1। एक बार आर की वैल्यू 0 रखने पर, यानी आर बराबर आपका मेन यही है फार्मूला, आपका जो भी है समीकरण ये है, इसी समीकरण में हमेशा आप रखोगे ए बराबर, यहाँ पे आर बराबर 0, ए की जगह पे ए रखा, बी की जगह पे 2 है 2 रखा, क्यू की जगह पे क्यू छोड़ दिया, आर की वैल्यू 0 जोड़ दिया तो 2 क्यू, 2 के गुणन में आ रहा है, तो ये सम पूर्णांक। नेक्स्ट 1 रखने पर आगे अगर कोई और होता, 3 रहता, 4 रहता, जितना रहता आप उसमें रख देते हैं। नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दर्शाइए कि चलिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि ये आपका दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक की धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1, 4 क्यू प्लस सॉरी एक मिनट, इंक खत्म। जी हाँ, तो 4 क्यू प्लस 1 या
4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी क्वेश्चन वही है, दर्शाना है आपको कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 4q प्लस 1 होगा या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। कोई टेंशन नहीं, जो आपने पीछे किया था वही काम आप यहाँ पे करो। करोगे क्या, आपको देखना है सिंपल सा, मानना वही है। मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, माना कोई आपके पास ए धनात्मक पूर्णांक है, उसको ले लिया। अब यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी, वहाँ पे दो थी तो यहाँ पे चार है, तो हम यहाँ पे कितना कंसिडर करेंगे, फोर। यानी आपकी वी की वैल्यू हो गई चार। अब आते हैं रिमाइंडर कितना बच सकता है। अगर बात करते हैं रिमाइंडर में, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है, चार है ना, तो 0, 1, 2 और 3, ये आपका हो गया रिमाइंडर। अब नीचे से आपका चेंज कर दो, नीचे आपका क्या क्या हो सकता है उसको आप रख दो। फिर वही काम, आप एक बार r का वैल्यू 0 रखो, यानी r बराबर 0। तो आप जब 0 रखोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, b की जगह पे 4 है तो 4q प्लस 0। दूसरा अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 4q डायरेक्ट। दूसरा अगर r की वैल्यू आप एक रखते हो तो कितना आएगा, 4q, r की वैल्यू कितना रखना है, एक। नेक्स्ट आप 2 रखो तो कितना आएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू यानी आ गया आपका बी की जगह पे 4q, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और नेक्स्ट आप 3 रखते हो तो कितनी आती है, यहाँ पे हो गया 4q और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3, सॉरी। ठीक है, अब आप जहाँ चेक करोगे, ये 4 के रूप में है, यानी ये सम है, ये विषम पूर्णांक, ये भी आपका सम है क्योंकि 4 है और 2 है, यानी यहाँ पे सम संख्या है और ये आपका विषम है। तो आपसे सिद्ध यही करना था कि 4q+1 या 4q+3 विषम पूर्णांक है। तो चेक कर लीजिए, 4q+1 और 4q+3 दोनों कैसे पूर्णांक है, विषम इंटीजर्स यानी ऑड इंटीजर्स हैं। इस तरह से ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो आपसे ये सवाल पूछता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। इससे रिलेटेड आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो आपको डाउट होंगे उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके डाउट को देख लिया जाएगा। नेक्स्ट जो कल हम पढ़ेंगे वो आप पढ़ा जाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। सिंपल सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो वही मेथड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी को हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे जो एलसीएम एचसीएफ जो भी होगा उसको हम चेक करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको सही करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, और वीडियो पहुँचने के बाद सभी लोग इससे जुड़ सकें। धन्यवाद।